विदर्भ होटल कामगार संगठन की ओर से संविधान चौक पर सोमवार को आंदोलन किया गया। होटल चालक और कर्मचारियों द्वारा लॉकडाउन के नियमों में परिवर्तन करने की मांग इस दौरान की गई है, जिससे कि हमें हमारी जीविका चलाने में मदद मिले। इस तरह बार बार लॉकडाउन लगने से हम लोग किस तरीके से जिए ये समझ में नहीं आ रहा है। सभी 80% कर्मचारी किराए के मकान में और इस लॉकडाउन की वजह से हम कई परेशानी से जूझ रहे हैं, जैसे कि कई लोगों पर बैंक का लोन है, इलेक्ट्रिक का बिल है, बच्चों की फीस है, घर का किराया है, रोजमर्रा के खर्चे लगने वाली चीज है जो कि महंगी होती जा रही है। उधर का होटल कामगार संगठन के कामगार लोग यहाँ मुख्य आंदोलन कर रहे हैं। परेशानी ये है कि कोरोना के कारण पिछले 2 साल से हमारा होटल व्यवसाय जो है वो चौपट हो गया। जो निर्बंध लगाए जाते कोरोना के कारण, तो उस निर्बंध में छूट अगर मिलती है तो 4 बजे तक दुकान चल रही है। होटल का व्यवसाय है तो शाम का व्यवसाय, रात का व्यवसाय है, तो कुल मिलाकर इसके कारण हजारों कामगार ये बेकार है, मोहताज हो रहे, और इसलिए आज वो रास्तों पर उतरे है। सरकार की जिम्मेदारी है कि कोरोना का जो दर है, अभी हम देख रहे हैं कि 1-2 केसेस है, तो निर्बंध को हटाना चाहिए। जहां तक डेल्टा की बात की जा रही, ये डेल्टा 8 जिलों में है, और 8 जिलों से अगर लोग आते हैं यहाँ पे, तो हम सीमा पर प्रतिबंध लगा सकते हैं और आर्थिक चक्र को शुरू कर सकते हैं, मगर हमारे पालक मंत्री, हमारे आरोग्य मंत्री, हमारे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ये गंभीरता से विचार क्यों नहीं कर रहे? क्या वे इस राज्य की जनता को भूखे मारना चाहती है? तो सरकार की जवाबदेही है कि वो जहाँ निर्बंध लगा रहे जिसके कारण लोग प्रभावित रहे, उनको मासिक अनुदान देना चाहिए। ये सरकार की जिम्मेदारी है ना, आप उससे आंखें मोड़ रहे और निर्बंध के ऊपर निर्बंध लगा रहे। मैं महाराष्ट्र सरकार को चेतावनी देना चाहता हूँ कि ये एक तो बेरोजगारी बहुत बढ़ेगी, दूसरे तो ये लोग 2 साल से ऐसे हालत में, ये अगर सैलाब रास्ते पर उतर जाएंगे तो राज्य सरकार इसको संभाल नहीं पाएंगी। मैं कम्युनिस्ट नेता हूँ, मैं किसान सभा का नेता हूँ, ये चेतावनी उद्धव ठाकरे को मैं माता देना चाहूँगा। सरकार यह सब माफ तो नहीं करेगी, पर इस लॉकडाउन में हम कमाएंगे नहीं तो देंगे कैसे? मेरी आपसे यही विनती है कि बैंक वाले, स्कूल वाले, घर मालक हम लोगों को परेशान ना करें। जो भी लॉकडाउन का समय का पैसा होगा, लॉकडाउन खुलने की 1 महीने बाद से सभी लोग भर देंगे। हम सरकार से निवेदन करते हैं कि इस वक्त सरकार ने हमें लोन और घर का किराया, इलेक्ट्रिक बिल, फीस, इन सब चीजों पर रोक लगा दी जाए। जैसे सब खुल जाए, हम लोग अपना अपना कमा कर भर देंगे, या तो फिर भूखे मरने से अच्छा है कि हम लोग भी सरकार से लड़े, मगर हम ऐसा नहीं चाहते हैं। इसलिए कृपया आप 15 दिनों के अंतर इस समस्या का समाधान करें, यही हमारी आपसे आखिरी विनती है, अन्यथा हम भी सड़क पर उतर जाएंगे। कैमरा पर्सन माइकल रामपुरे के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।